सर हमें ऑस्ट्रेलिया का विजिट वीज़ा लगाना है, हमारे पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, चलेगा क्या? सर हमें ऑस्ट्रेलिया घूमने जाना है बट हमारे अकाउंट में बैलेंस कम है, लेकिन मैं आपको बैंक स्टेटमेंट दे दूँ, क्या चलेगा क्या? ऐसे ही बहुत सारे सवाल मेरे पास आते रहते हैं रिलेटेड टू बैंक स्टेटमेंट, कि किसी के पास या तो बैंक स्टेटमेंट है ही नहीं, ठीक है, और किसी के पास है तो बैलेंस का उनको पता नहीं कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए, कहाँ के लिए जब वो ऑस्ट्रेलिया के लिए विजिट वीजा अप्लाई करते हैं, चाहे आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हो, चाहे दुबई में हो, चाहे यूएई में कहीं भी हो, अबू धाबी, शारजा, रासल खेमा, फुजेरा, अजमान, कहीं से भी आप अप्लाई कर रहे हो ना, मैं 100% श्योर हूँ आपको भी ये चीज पता नहीं होगी, राइट, कि कितना बैलेंस होना चाहिए और कितने महीनों का बैंक स्टेटमेंट चाहिए रहता है जब आप ऑस्ट्रेलिया के लिए विजिट वीजा अप्लाई करते हो या नहीं। और सबसे ज्यादा जो सवाल मुझसे पूछे जाते हैं ना इस पर्टिकुलर चीज को लेके, वो ये पूछे जाते हैं कि सर हमारे पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो क्या हमारा ऑस्ट्रेलिया विजिट वीजा लग सकता है। तो दोस्तों ये पूरे सवालों के जवाब आपको आज के वीडियो में मैं देने वाला हूँ, ब्रीफली बताने वाला हूँ कि बॉस एग्जैक्टली होता क्या है बैंक स्टेटमेंट को लेके, कितना बैलेंस होना चाहिए, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए जब आप ऑस्ट्रेलिया के विजिट वीजा के लिए हमारे पास आते हो। तो दोस्तों वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो को आप पूरा देखना, स्किप मत करना, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है, बस पूरा वीडियो आपको देखना ताकि आप कोई इन्फॉर्मेशन मिस आउट नहीं कर जाओ। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लो यार, बिकॉज ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ऑफर्स आपके लिए आपका भाई लेके आता रहता है, मेहनत करता रहता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखो सबसे पहले तो मैं आपका ये मिथ और ये कंफ्यूजन दूर करना चाहूंगा कि काफी लोग बोलते हैं कि बिना बैंक स्टेटमेंट के भी आप ऑस्ट्रेलिया, काफी एजेंट मैंने देखा है जो बोलते रहते हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, कि बिना बैंक स्टेटमेंट के भी आप ऑस्ट्रेलिया का विजिट वीजा अप्लाई कर सकते हो। तो मुझे समझ में नहीं आता कि वो कैसे करते हैं, पहली बात तो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो बोलने वाला था मैं, वो ये कि ऑस्ट्रेलिया का विजिट वीजा में बैंक स्टेटमेंट की जरूरत 100% होती ही होती है, बिना बैंक स्टेटमेंट के अप्लाई हो ही नहीं सकता। अगर आप कोई एजेंट बोल रहा है ना तो 100% वो क्या कर रहा होगा मैं बताता हूँ आपको, वो आपका वीजा बिना बैंक स्टेटमेंट के ही लगा देगा और रिजल्ट आ जाएगा रिजेक्टेड। फिर वो आपको लेके बोल देगा कि सर आपके डॉक्यूमेंट में कमी थी, आपका ये कम था वो कम था। अरे बॉस आपने बैंक स्टेटमेंट तो मांगा ही, मेन तो बैंक स्टेटमेंट होता है। अब बैंक स्टेटमेंट क्यों मांगते हैं, ऑस्ट्रेलिया की विजिट वीजा ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेशन को क्यों चाहिए? बॉस आप खुद सोचो, आप एक इतनी बड़ी कंट्री जा रहे हो, आपके पास बैंक स्टेटमेंट प्रॉपर नहीं है, आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है, तो कोई भी कंट्री आपको वीजा देने से पहले 10 बार सोचेगी। क्यों? उनको भी लगेगा यार इसके अकाउंट में तो बैलेंस ही नहीं है, कैसे बंदा वहां पे आएगा, घूमेगा, खाएगा, पिएगा, राइट? उनके माइंड में भी ये क्वेश्चन आएगा। और दूसरी चीज, आपका अकाउंट प्रॉपर मैनेज नहीं होगा और आपके स्टेटमेंट में ऊपर नीचे चीजें होंगी, तब भी गड़बड़ हो जाएगी, तब भी के माइंड में ये सब चीजें आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि वो भी देखते हैं यार आपकी सैलरी तो आ रही है बट आपकी सैलरी में आप सारा का सारा खर्चा कर दे रहे हो, कुछ सेविंग ही नहीं हो रही आपकी, तो बैंक स्टेटमेंट देना नहीं देना बात बराबर है, राइट? तो बैंक स्टेटमेंट में सबसे पहले आप ऑस्ट्रेलिया के लिए विजिट वीजा के लिए अप्लाई करते हो ना तो प्रॉपर मैनेज करो। 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट चाहिए रहता है, उसमें गवर्नमेंट प्रॉपर आपका स्टेटमेंट गो थ्रू करती है, चेक करती है कि आपकी जब सैलरी आ रही या फिर आपका बिजनेस है तो आपके एक्सपेंस कहाँ हो रहे हैं, क्या आप सेविंग कर रहे हो नहीं कर रहे हो, राइट? काफी लोग बैंक स्टेटमेंट देते उनका अकाउंट बैलेंस जीरो होता है, तो बॉस ऐसे काम नहीं चलेगा। मैं आपको बताता हूँ, अगर आप यूएई से अप्लाई कर रहे हो ना ऑस्ट्रेलिया का विजिट वीजा, आपके अकाउंट में मिनिमम 25,000 से 30,000 दिरहम होने चाहिए तभी आप अप्लाई कर सकते हो ऑस्ट्रेलिया विजिट वीजा के लिए। और अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हो तो 2.5 से 3 लाख रुपए आपके अकाउंट में होने चाहिए तभी आप अप्लाई करने की सोचना ऑस्ट्रेलिया विजिट वीजा की। अगर इससे कम होगा ना वीजा रिजेक्ट हो सकता है आपका, ठीक है? तो मिनिमम बैलेंस मैंने आपको बताया, स्टेटमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है मैंने आपको बताई, और मैनेज करना भी मैंने आपको बताया कि कितना होना चाहिए, राइट? अगर इससे कम होगा ना तो चांसेस रिजेक्शन के बढ़ जाएंगे, राइट? तो ऐसा जो भी लोग, जो भी एजेंट बोलता है आपको कि स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है, तो बॉस स्टेटमेंट की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है ऑस्ट्रेलिया के विजिट वीजा में, बिना बैंक स्टेटमेंट के काम आपका नहीं बनेगा। अब काफी लोगों का जो सवाल होता है कि सर हमने स्टेटमेंट हमारा जो है ना मैनेज नहीं किया हुआ है या फिर हमारे स्टेटमेंट में ये दिक्कत है, तो उसके लिए हम बैठे हैं, ठीक है? उसके लिए आप हमें कांटेक्ट करो, नीचे नंबर है, हमारा ऑफिस है बुर्जमान बिजनेस टावर 906-907 में, आप बिल्कुल आइए, बैठिए, हम आपको गाइड करेंगे कि आपके स्टेटमेंट में क्या कमी है, हम आपका स्टेटमेंट चेक करके आपको बताएंगे। और किसी किसी के पास स्टेटमेंट नहीं होता है तो भी हम आपको तरीके बताएंगे, राइट? तो दोस्तों इन चीजों से आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मेरा काम आपको टेंशन देना नहीं है, हमारा काम है आपकी जो वीजा एप्लीकेशन है उसको प्रॉपर फाइलिंग करना, प्रॉपर आगे सबमिट करना, ताकि आपका वीजा जो है ना अप्रूव
मूव हो जाए, ना कि आपको टेंशन देना कि बॉस आपका स्टेटमेंट नहीं है, आपका ये नहीं है, आपका वो नहीं है। हमारा काम वो नहीं है, हमारा काम है आपकी जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करना। तो सॉल्व कैसे होगी, आप हमें नीचे नंबर दिया हुआ है, कॉल कर लो, व्हाट्सएप कर लो, ऑफिस आ जाओ, प्रॉपर आके डिस्कस कर लो। कोई असेसमेंट, कोई डिस्कशन का चार्ज हम थोड़ी ले रहे हैं, कंसल्टेशन फीस थोड़ी है हमारी, वो सब फ्री है। उसके बाद आप अपना डिसीजन लीजिए, उसके बाद आप अपना प्लान करिए। तो दोस्तों ये था वीडियो बैंक स्टेटमेंट के ऊपर। अगर आप ऑस्ट्रेलिया का विजिट वीजा लगा रहे हो तो आई होप आपको ये मैसेज क्लियर हो गया होगा कि आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए या नहीं चाहिए या क्या प्रोसेस रहता है। पूरी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है, फिर भी कुछ डाउट है नंबर दिया हुआ है, एनी टाइम वी आर अवेलेबल। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, काम का लगा होगा। प्लीज एक लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना अपनी फ्रेंड्स फैमिली के साथ ताकि उनको भी ये नॉलेज मिले। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना बॉस, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस आपके लिए आपका भाई हमेशा लेके आता रहता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।